खरगोन के कुंदा तट पर पिछले 9 दिनों से चल रहे सांस्कृतिक बौद्धिक रचनात्मक कार्यक्रमों को मंगलवार रात पुरस्कार वितरण के साथ विराम दिया गया है। गौरव दिवस के इस आयोजन को लेकर नगर पालिका ने कुंदा तट पर आकर्षक साज सज्जा के साथ ही किले पर आकर्षक विद्युत साज सज्जा की थी। कार्यक्रम के समापन अवसर पर मुख्य रूप से विधायक बालकृष्ण पाटीदार, नगर पालिका अध्यक्ष छाया जोशी, SDM भास्कर गाजले, CMO MR निगवाल, नगर पालिका स्वास्थ्य अधिकारी प्रकाश शित्ते के साथ ही पार्षदों ने गौरव दिवस पर हुए कार्यक्रमों में प्रस्तुति देने वाले कलाकारों, विद्यार्थियों के साथ सामाजिक संस्थाओं को सम्मानित किया। इस मौके पर अतिथियों ने कहा कि गौरव दिवस पर हुए कार्यक्रम सभी के लिए यादगार रहेंगे। गौरव दिवस पर कुंदा की आरती गंगा की तर्ज पर हुई। इस मौके पर इंदौर के कलाकारों द्वारा की गई आतिशबाजी भी शहरवासियों को याद रहेगी। समापन कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में शहरवासी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। विधायक के मार्गदर्शन में, हमारे अध्यक्ष महोदय और परिषद के सभी के मार्गदर्शन में इतना शानदार हुआ, ऐसा लग रहा है कि आने वाला गौरव दिवस भी हम सबको, नगर वासियों का उसका इंतजार रहेगा। ऐसा यादगार के रूप में गौरव दिवस मनाया, इसके लिए नगर पालिका ने कड़ी मेहनत की है। आपको ध्यान होगा, हमको नदी का भी पूरा उसकी साफ सफाई करने के लिए भी 15 दिन लगे, और उसकी रूपरेखा के लिए भी हमने पूरे नगर के समाजगण और पार्षदगण, उपाध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय सबकी उपस्थिति में एक मीटिंग रखी। उसमें ये 9 दिन का प्रोग्राम हमने तय किया, और 9 दिन का कार्यक्रम में प्रथम जो हमारा मकर संक्रांति के दिन जो भव्य आतिशबाजी हुई, उसका एक अलग ही शहर में बहुत शानदार हमें उसका स्वरूप देखने को मिला। उसी के रूप में आगे बढ़ते हुए हमारे निवाड़ी कवि सम्मेलन, निवाड़ी गायक गायन, रंगोली प्रतियोगिता, फिर हमारे हल्दी कुमकुम, उसी प्रकार से हमारा झंडा वंदन, इसी प्रकार से प्रतिदिन का जो कार्यक्रम था वो उत्साह देखने लायक था। और आप सबके मार्गदर्शन, आप सबके शहरवासियों के भरपूर सहयोग से यह उत्सव महाउत्सव में बदल गया। तो 9 दिवसीय गौरव दिवस, ये खरगोन का गौरव बढ़ा गया है। खरगोन की जनता अपने आप को गौरवान्वित कर महसूस कर रही है, और सारी जनता ने, नगर पालिका ने, नगर पालिका के पार्षदों ने, सभी जनप्रतिनिधियों ने, पत्रकारों ने, ताकि जनता ने, नाविकों ने, इसको विद्युत को सजावट करने वाले हमारा चंदन है जो इसने सांस्कृतिक कार्यक्रम की श्रृंखला यहाँ पर प्रस्तुत की, सब ने मिलकर के इसको बहुत ही अच्छा यादगार बना दिया, और जनता बहुत आनंदित है इसको लेकर के भी। और ये प्रतिवर्ष मकर संक्रांति को गौरव दिवस खरगोन शहर में मनाया जाएगा। आगे से यही प्रयत्न है कि इस दिन मेला भी पूरा इन्हीं दिनों में अच्छा भरा रहे, तो इसमें और इसके जो खरगोन शहर के गौरव दिवस को और 4 चांद लगे। तो कुल मिला करके जनता बहुत ही आनंदित है, जनता में उत्साह का संचार कर दिया है, और यही उत्साह जनता में ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है, और इसी ऊर्जा से सब लोग अपने अपने नागरिक कर्तव्य का प्रामाणिकता के साथ निर्वहन करते हुए आगे बढ़ेंगे और शहर को भी आगे बढ़ाएंगे। का गौरव दिवस मना रहे हैं, उसमें आज समापन था, और मतलब सबको इनाम वितरित कर रहे थे। आज गौरव दिवस हमारे लिए बहुत ही गौरवशाली रहा, क्योंकि यहाँ की जनता को यहाँ पर नौका विहार करने को मिल रहा है, नाव चल रही नदी में, और बाकी सब मतलब साज सज्जा बहुत अच्छे से किए हमारी टीम ने, और हमारी नगर पालिका की पूरी टीम लगी हुई थी हमारे साथ, मेरे सब सहयोगी थे। इनके का गौरव दिवस मना रहे हैं, उसमें आज समापन था, और मतलब सबको इनाम वितरित कर रहे थे। आज गौरव दिवस हमारे लिए बहुत ही गौरवशाली रहा, क्योंकि यहाँ की जनता को यहाँ पर नौका विहार करने को मिल रहा है, नाव चल रही नदी में, और बाकी सब मतलब साज सज्जा बहुत अच्छे से किए हमारी टीम ने, और हमारी नगर पालिका की पूरी टीम लगी हुई थी हमारे साथ, मेरे सब सहयोगी थे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।